और इससे पहले तो ये लोग सरीह गुमराही में थे और उनमें से और लोगों की तरफ भी उनको भेजा है जो अभी उन मुसलमानों से नहीं मिले और वो गालिब हमत वाला है खुदा का फजल है जिसे चाहता है अता करता है और खुदा बड़े फजल का मालिक है जिन लोगों के सर पर तोरत लदवाई गई फिर उन्होंने उसके बारे तामील को न उठाया उनकी मिसाल गधे किसी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों जो लोग खुदा की आयतों की तकजीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता क्योंकि ए यहूद अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही खुदा के दोस्त हो और, और लोग नहीं तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आर्जू तो करो ये उन आमाल के सबब जो कर चुके हैं हर गिज इसकी आर्जू नहीं करेंगे और खुदा ज़ालिमों से खूब वाकिफ है कह दो कि मौत जिससे तुम गुरेज करते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले खुदा की तरफ लौटाए जाओगे फिर जो जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें सब बताएगा जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख तर्क कर दो अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है फिर अब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और खुदा का फजल तलाश करो और खुदा को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि नजात पाओ और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो उधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़े का खड़ा छोड़ जाते हैं कह दो कि जो चीज खुदा के यहां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और खुदा सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है